बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम। ओके सिक्स क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट नंबर 12। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, द यूनिट नंबर 12, द एंट एंड द डव। ओके, एक चूंटी और एक फाख्ता। लेट्स स्टार्ट इट। Okay, the ant and the dove. First of all, we will do the reading of this chapter. Once there was a little stream that flowed through a green meadow. Once there was, एक दफ़ा का जिक्र है, यानी वहाँ पर stream, नदी, एक छोटी सी नदी थी जो कि एक चरागाह, मीडो कहते हैं चरागाह जहाँ पर घास होती है, एक चरागाह के साथ साथ बहती थी, फ्लोट बहती थी। बिसाइड द स्ट्रीम, यानी उस नदी के साथ ही, देयर लिव्ड एन एंट कॉल्ड टैन, यानी वहाँ पर एक चींटी रहती थी जिसका नाम क्या था, टैन। ही लिव्ड विद हिज फैमिली ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो अपने बहनों और भाइयों के साथ वो रहता था। एंड देयर वर लॉट्स ऑफ देम, और वो बहुत ज़्यादा थे तादाद में। वन डे टैन्स ब्रदर एंड सिस्टर एंट्स वर ऑल बिजी, एक दफ़ा क्या था कि टेंस के भाई भी और बहनें भी सब बहुत मसरूफ़ थे, बिजी मसरूफ़ थे। दे हैड फाउंड सम बिस्किट्स इन द मिडो, उन्हें उस चरागाह में कुछ बिस्किट पड़े हुए मिले थे। दैट हैड बिन लेफ्ट देयर बाय अ फैमिली, यानी वहाँ पर वो एक फैमिली गिरा गई थी या छोड़ गई थी। हु हैड कम टू द मिडो फॉर अ पिकनिक, जो कि उस मिडो में एक पिकनिक मनाने के लिए आए थे और उन्होंने कुछ बिस्किट गिरा दिए थे और टेंट्स के भाई और बहनें वो सब बिस्किट्स कलेक्ट करने में मसरूफ थे। द एंट्स मार्च्ड इन अ लॉन्ग लाइन टू द पिकनिक स्पॉट, अब वो सारी एंट्स थी मार्च्ड, यानी लाइन बनाकर वो उस पिकनिक स्पॉट वाली जगह पर पहुंच गई। ईच ऑफ देम इन टर्न ब्रोक ऑफ अ टाइनी पीस ऑफ द बिस्किट्स एंड कम एंड कैरिड इट बैक टू देयर नेस्ट, यानी उन सब में से एक बिस्किट्स का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ा और वापस अपने नेस्ट, अपने घोंसले में वो लाकर रख देती थी। दे वर्कड हार्ड फॉर मैनी आवर्स, मैनी आवर्स बहुत से घंटों से वो ये काम कर रही थी। नाउ टैन वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, नॉट फीलिंग वेल यानी वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था उस दिन। सो ही स्टेड एट होम, वो घर पर ही ठहरा रहा, स्टेड ठहरा रहा। ही सेट अराउंड द नेस्ट ऑल डे वॉन्डरिंग वॉट टू डू, यानी वो सारा दिन अपने वो घर के इर्द गिर्द फिरता रहा कि वो क्या करे। देन हिज आंट अ लार्ज एंड काइंडली ब्लैक एंट कॉल्ड एनी, तब क्या हुआ, वहाँ पर उसकी एक बड़ी स्याह जो आंटी थी, आंट एनी, वहाँ पर आ गई। फाउंड हिम एंड सेड, उसको पाया और कहा, टैन वाई डोंट यू गो एंड सिट बाय द स्ट्रीम्स, तुम उनको ज्वाइन क्यों नहीं करते, तुम उनके पास क्यों नहीं गए और इस नदी के पास क्यों बैठे हो। द फ्रेश एयर एंड सनशाइन विल मेक यू फील बेटर डियर, उसकी आंट ने कहा कि फ्रेश ताज़ा सनशाइन, सूरज की धूप, फील बेटर यानी तुम्हें सूरज की धूप और ताज़ा हवा से अच्छा महसूस होगा डियर। थैंक यू आंट एनी, सेड टैन, टैन ने कहा थैंक यू आंटी, शुक्रिया। आई थिंक आई शैल टेक योर एडवाइस, मैं आपकी नसीहत पर अमल करूँगा। एंड ऑफ ही वेंट टू सिट बाय द स्ट्रीम। ओके, बट यंग पीपल कैन नॉट सिट इन वन प्लेस फॉर वेरी लॉन्ग एंड टैन, यानी जवान लोग इस तरह से स्ट्रीम के पास इस तरह से नहीं बैठते। एंड टैन वॉज नॉट डिफरेंट, और टैन भी उससे मुख्तलिफ नहीं था। ही सैट फॉर अ वाइल इन द सनशाइन, वो थोड़ी देर के लिए और धूप में बैठा। देन ही सॉ अ लॉन्ग ट्विग, ट्विग यानी एक डाली या टहनी उसने पानी पर देखी, विच स्ट्रेच्ड आउट ओवर द फ्लोइंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, यानी वो नदी पर इस तरह से वो डाली पानी के ऊपर तैर रही थी। फ्लोइंग वाटर यानी तैरते हुए बहते हुए पानी में उसने एक डाली या टहनी देखी। दैट लुक्स लाइक फन, सेड टैन टू हिमसेल्फ, टैन ने अपने आप से कहा यह तो बहुत अच्छा लग रहा है, फन लग रहा है। That twig looks like a spring, यानी एक spring की तरह की वो twig थी, वो डाली, वो शाख थी। I shall bounce up and down on it, यानी मैं अगर इसके ऊपर बैठूंगा तो कभी मैं ऊपर जाऊँगा, bounce ऊपर नीचे जाना। So Tan climbed up the twig, वो टैन भी उस ट्विग पे, उस डाली पर चढ़ गया। एंड द ट्विग बिगेन टू बैंड इट, यानी वो झुक रहा था कभी आगे को कभी पीछे को, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। इट बेंड क्लोजर एंड क्लोजर टू द वाटर, यानी वो पानी के और ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक होता गया।
इट स्वंग अप एंड डाउन, उससे क्या हुआ कि वो कभी ऊपर आता और कभी नीचे जाता, यानी स्वंग अप झूल रहा था, स्वंग झूलना, एंड फ्रॉम साइड टू साइड. टैन वॉज हैविंग अ गुड टाइम, टैन को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, यानी वो इंजॉय कर रहा था इस अप्स एंड डाउन से. एंड देन स्नैप सडनली, तो तब अचानक क्या हुआ, स्नैप मीन यानी एकदम से आवाज़ आना और झटका लगना. सडनली द ट्विग ब्रोक, क्या हुआ, ट्विग वो जो शाख थी वो टूट गई. एंड टैन फेल विद द टाइनी प्लॉप इन टू द रनिंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम, रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, स्ट्रीम नदी का, यानी एकदम से टैन गिरा और प्लॉप यानी गड़प करने की आवाज़ आना, एकदम से पानी में गिरने की आवाज़ आना, इज कॉल्ड प्लॉप, यानी एक छोटे से गड़प की आवाज़ आई और वो पानी में नदी में बह गया. हेल्प हेल्प शाउटेड टैन, टैन चिल्लाया कि मेरी मदद करो, बट नो वन हर्ड हिम, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं सुना. All his brothers and sisters were busy, उसके दोनों भाई सारे बहन भाई भी मसरूफ़ थे. And anyway, how many of us can hear an ant even if it is in trouble? और आप जानते हैं कि हमें से कोई भी ant को नहीं सुन सकता, चाहे वो कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो, trouble तकलीफ. Then out of the sky came a large white dove. अब क्या हुआ कि अचानक आसमान पर एक सफ़ेद फाख्ता, dove कहते हैं फाख्ता को, उसको एक सफ़ेद फाख्ता नज़र आई. इट फ्लू डाउन ऑन टू द बैंक, और वो नीचे बैंक नदी का किनारा, नदी के किनारे की तरफ उड़ी वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से. इट ब्रोक ऑफ अ वाइड ब्लेड ऑफ ग्रास, यानी उसने एक बड़ा सा पत्ता घास का, वाइड ब्लेड यानी चौड़ा सा तोड़ा. देन इट फ्लू ओवर द स्ट्रीम एंड ड्रॉप द ग्रास राइट नेक्स्ट टू द टैन. अब उसने क्या किया, वो पत्ता तोड़ा और उस स्ट्रीम में फेंक दिया बिल्कुल टैन के करीब. लिटल टैन क्लाइम्ब ऑन टू द ग्रास, उस ग्रास उसके ऊपर, वो उस पत्ते के ऊपर चढ़ गया. विच फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, और वो नदी में बहता हुआ आगे आ गया. वेरी सून इट गॉट स्टक इन सम रीड्स, यानी वो दूसरे पत्तों में, दूसरी टहनियों में आकर वो पत्ता फंस गया. एंड टैन क्लाइम्ब ऑन टू द बैंक, और वो किनारे पर आ गया. What a lucky escape, यानी वो खुशकिस्मती से, lucky खुशकिस्मत escape, बच गया. Okay, this is about the chapter reading. Next, okay students, next we have a poem also in this chapter, Ants Galore. Galore mean यानी कसरत से बहुत ज़्यादा, is called galore. Okay, this is also about an ant. Cake on a plate, crumbs on the floor, soon you see ants galore. Galore यानी बहुत ज़्यादा ants होना, जब भी प्लेट में केक पड़ा होगा, क्रम्स होंगे यानी आटा होगा, तो आप क्या को देखोगे, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा एंट्स आ जाती हैं. हरी अप चेज देम अवे और दे वोंट लीव एनीथिंग फॉर अस टू ईट, एंट्स आर बिजी ऑल डे स्टॉकिंग फूड फॉर विंट्री मंथ्स, हार्ड वर्किंग एंड ऑर्गेनाइज्ड आर दे, हैविंग अ लेसन और टू टू कन्वे, श्योरली आई कैन लर्न मच फ्रॉम द टाइनी एंट्स and so can you. Okay, this is also all about ants, ke jab bhi plate mein cake pada ho ya floor ho ya crumbs ho to aap dekhoge uske ird gird bahut zyada kasrat se chuntiyan aa jati hain aur wo kehti hain jaldi karo isse pehle ke unse khana le liya jaye, aur wo bahut hard working way mein organized munazzam tareeke se aati hain aur ek dusre se डिसिप्लिन के साथ अपना खाना उठाती हैं और चली जाती हैं. श्योरली आई कैन लर्न मच फ्रॉम द टाइनी एंट्स, यानी हमें उन एंट से सीखना चाहिए कि किस तरह डिसिप्लिन वे में वो मूव करती हैं और हार्ड वर्कर होती हैं. एंड सो कैन यू, यानी दे आर द रोल मॉडल फॉर अस इफ़ यू वॉन्ट टू डू गेट सक्सेस इन आर लाइफ. ओके, दिस इज ऑल्सो अबाउट द एंट्स. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Here is the exercise work, students. Yes, complete the sentences given below. Open the page number 80. This is on page number 80, and we have to complete the sentences. Just like, let's do it. Yes, this is about complete the sentences given below. That is on page number 81. The first sentence is,
Ahmed threw the ball, and you will write in the blank. Ahmed threw the ball and broke the window. And broke the window. Okay, next is I looked through the window. I looked through the window. There were green fields. यानी वहाँ पर सब्स बागात थे, सब्स मैदान थे. There were green fields. It was a dark night and dog started to bark. You will write in the blank. Dog started to bark. Number four, the birds flew to its nest. The birds flew to its nest and stung on the hunter's hand. Stung mean kaatna, yani shikari ke haath par unhone kaata. And stung on the hunter's hand. The man was carrying a bundle of cotton. The man was carrying a bundle of cotton. Okay, we have completed our part B. Now we have to do the part E. Open the page number 82. Yes, here is that. The part E. Read the story again and make a list of all the countable nouns and uncountable nouns mentioned in the story. Okay, students, you know about what are the countable nouns? Countable nouns are those nouns that we can easily count them. Just like table, chairs, fans, lights. So all the things that we can easily count are called countable things, and uncountable things that we can't count. Just like milk, sugar, salt, butter. So that's why these are uncountable nouns. Okay, now we have to do the part E. So countable nouns are stream, meadow, ant, brothers, sisters, biscuits, picnic, nest, hours, day, home, aunt and twig. Okay, and uncountable noun jo hum count nahi kar sakte are air, sunshine, advice, water, sky, bank and grass. Okay, we have completed the list of countable and uncountable nouns. Okay, next part G. Read the sentences given below. Write whether the underlined nouns are countable or uncountable. Okay, you have to identify that the underlined words are the countable or the uncountable. Look at the number one sentence on your book. The page number is 82. The children are playing in the garden. So children is underlined, so that's why it shows that this is countable noun. You will write countable on the number one point. Okay, right here. Number two, I drink one glass of milk every day. Now milk is underlined, so that shows we can't count the milk. So that is uncountable noun. That is number two is uncountable. Number three, look at the number three. These students have passed the exam. So students, we can easily count the students, so that's why this is countable noun. Number four, the scientists are working on the project. So scientists are countable nouns because we can easily count them. Number five, the bread is very soft. So the bread, if the pieces of bread, we can easily count them. That is countable if the bread is. Okay, next is number six. There is a special program in our school. So programs, there are many kinds of programs. You can easily count them. So these are countable. Number seven is butter. So butter, we can't count the butter. That's why this is uncountable noun. Number eight is drivers. We can easily count the drivers. How many drivers you have? So that's why this is countable. Number nine, there are many windows in our house. You can easily count the houses. How many houses are there? So that is the countable noun. Okay. Next, number 10 is we need some glue to paste the pictures. So glue, we can glue. Glue is a liquid form, so that's why we can't count it. So that is a uncountable noun. Now move to the next page. The copy work, we have to do the copy work quickly. Make sure Jana's ready, and we have to do the words meaning first. Okay, first word is marched. Marched, prayed, ya walk, ya chalna, line bana kar chalna, that is called marched.
quickly write down on your journals. Number 2, broke off. Broke off, to stop, yani rok dena, ruk jana, is broke off, to stop. Number 3, tiny, English meaning is small and Urdu meaning is chota, ya choti koi cheez. Bounce up, up and down movement. This is English meaning, up and down movement. And the English meaning is, and the Urdu meaning is, yani upar niche move karna, chhalang lagana, bounce up and down movement. Okay, next is climbed up. Climbed up is English meaning is go upward. It means upar charna. Climbed up, upar charna. Urdu meaning is upar charna. Next is trouble. Trouble, English meaning is difficulty. And Urdu is mushkil hona, takleef hona. Okay, next word is floated. Floated is English meaning is move on surface of water. It means, and Urdu meaning is tairna, yani pani par tairna, is called floated. Next one, last one, escape. Escape is bach jana, and the English meaning is get away or break away. Okay, there are two meanings, and the Urdu meaning is escape, bach jana. Iska ek aur meaning bhi hota hai, gayab ho jana. Okay, now move to the next page. Here is that the copy work. Now we have to do the question answers. Quickly start it. That is on page number 80. Quickly open the page number 80. The question number 1 is, how were the ants busy? Yani ants kis tarah se masroof thi? And the answer number 1 is, the ants were busy to gather food, yani wo apna food ikattha karne ke liye masroof thi. Number 2, why was Tan not working? Yani Tan working kyun nahi kar raha tha? The answer number 2 is, Tan was not working as he was not feeling well. Number 3 question on your book, where did his aunt tell him to go? And the answer number 3 is, his aunt told him to go and sit near the stream where the fresh water and sunshine would revive him. Revive him, yani usko fresh kar dega, usko refresh kar dega. Okay, next number 4 question on your book, the page number is 81. Why did Tan climb on the twig and what happened next? Yani wo twig par, wo us dali par kyun chadha aur uske baad kya hua? And the answer number 4 is, when Tan saw the twig, he thought that the twig looked like a spring. Yani usko ek spring ki tarah se wo laga. He climbed on it and bounced up and down. Full stop. Suddenly the twig broke. Kya hua? Wo dali toot gayi and Tan fell into the running water of the stream. Yani wo us behte hue pani mein beh gaya. Question number 5, who helped Tan? Yani Tan ki kisne madad ki? The answer is, a large dove helped Tan. A large dove, yani ek badi fakhta ne uski madad ki. Okay, we have completed our question answer now. Now the next is, change the form of these sentences. This is on page number 81 and the part is D. Part D, change the form of this sentence. So these are activewise and passivewise, students. If there is activewise, you will change into passivewise, and if there is passivewise, you will make it activewise. And activewise is a complete table about that. You will learn next that. Okay, the children ate the biscuits. The children ate the biscuits. And next, number 2 is answer, the grass was dropped by the dove. The grass was
dropped by the bus. Okay, students, number two, the grass was dropped by the dove. This is the answer of number two. Number three, the maid washed the clothes. The maid washed the clothes. Number four, some books were bought by Ali. Some books were bought by Ali. Number five, Tan was helped by the dove. Tan was helped by the dove. Okay, next copy work. Now we have the poem question answers. The question number one is the page number 83. What do ants like to eat? Yani wo kya khana pasand karti hain? Ants like to eat cake. Ants like to eat cake. Number two, what do you like to eat? Yani you can aap khana kya pasand karte ho? You can write it yourself. Number three, what do ants do all day? यानी वो सारा दिन क्या करती हैं? Ants stock food for wintry months. यानी वो मौसम में सर्मा के महीनों के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, stock करती हैं. Number four, what lesson can we learn from ants? यानी हम उनसे क्या lesson मिलता है, क्या सबक मिलता है? Answer number four is, we learn from ants that we should be hardworking and organized. यानी हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए और discipline होना चाहिए. Okay, next number part J. These are the rhyming words. You can make the rhyme words, list some words that rhyme with, just like ant, pant, rant, scant. Okay, these are all rhyming words. Next, cake, bake, fake, and lake. Last, away, bay, hay, and say. Okay, these are all rhyming words. Now, we have completed our lecture. Take care and Allah Hafiz.